दोस्तों, एक कमाल की कॉमिक फिल्म आ रही है जिसका टाइटल है लापता लेडीज, और ये थिएटर में 1 मार्च को रिलीज होगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू फिल्मी बैटरी, आई एम दीप। दोस्तों, लापता लेडीज का ऑफिशियल ट्रेलर देखा मैंने, 2 मिनट 25 सेकंड का ये ट्रेलर है और बहुत ही फास्ट पेस्ड और एंटरटेनिंग फिल्म लग रही है जो कि आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। स्टारकास्ट की बात करते हैं, स्टारकास्ट पे स्पर्श श्रीवास्तव, रवि किशन, दुर्गेश कुमार, नितांशी गोयल और प्रतिभा रांटा है। काफी न्यू कमर्स है फिल्म में। किरण राव ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जो कि आमिर खान की एक्स वाइफ है। इनफैक्ट आमिर खान और किरण राव का ही प्रोडक्शन है इस फिल्म में। कहानी है दीपक कुमार की, जिनकी वाइफ गुम हो गई है शादी के बाद। ट्रेलर में एक सीन भी आता है जब दीपक कुमार अपनी वाइफ को लेके फैमिली से मिलवाने आते हैं और जैसे घूंघट उठता है तो उसके बाद उनका रिएक्शन सब कुछ देखने लायक होता है। काफी फनी सा सीन लगा मुझे। दूसरा ट्रेलर में एक और फनी सा सीन आता है जब दीपक कुमार पुलिस इंस्पेक्टर को अपनी वाइफ की फोटो दिखाते हैं जो कि बिल्कुल घूंघट में होती है, तो वो सीन भी अच्छा लगा। और रवि किशन का भी कैरेक्टर काफ़ी कॉमिक वाला लग रहा है, बहुत ही ह्यूमर लग रहा है इस फिल्म में ओवरऑल। मुझे, मैं इस ट्रेलर को रेट करूंगा 3.5 out of 5। फिल्म 1 मार्च को रिलीज होगी और होपफुली एडवांस बुकिंग भी एक या दो दिन में शुरू हो जाएगी। ट्रेलर में एक सॉन्ग भी आता है जो कि सुखविंदर पाजी ने गाया है जिसका नाम है डाउटवा। वो सॉन्ग अलग से भी रिलीज हो चुका है और काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा एक सजनी सॉन्ग है जो कि अरिजीत सिंह ने गाया है, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल फिल्म में गाने भी अच्छे लग रहे हैं और फिल्म में इमोशंस भी है, ड्रामा भी है। इंटरेस्टिंग होगा देखना कि जो दीपक कुमार की वाइफ बन के आई है फूल से, जो पुष्पा रानी हो गई, वो एक्चुअली में पुष्पा रानी है कौन और वो किसकी वाइफ है, ये सब मूवी में देखना इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों, रिलीज से पहले आमतौर पर स्पेशल स्क्रीनिंग रखी जाती है फिल्म की, तो लापता लेडीज की भी स्पेशल स्क्रीनिंग हुई। काफ़ी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस इस फिल्म को देखने आए और स्पेशली सनी देओल ने काफ़ी तारीफ करी है मूवी की, तो एक अच्छी फिल्म लग रही है लापता लेडीज। तारीफ करना चाहूंगा स्पर्श श्रीवास्तव की जो जमतारा वेब सीरीज में दिखे थे। न्यू कमर एक्टर है बट काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं एंड फाइनली वो एक बड़े प्रोडक्शंस के साथ आमिर खान बैनर के साथ आ रहे हैं एक फिल्म में, तो डेफिनेटली उनमें कुछ बात होगी। इंटरेस्टिंग होगा देखना कि वो मूवीज में कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे एक्टिंग करते हैं। ट्रेलर में तो काफी अच्छी उनकी एक्टिंग लग रही है, लेट्स सी कैसा उनका बॉलीवुड करियर आगे होता है। फरवरी में कुछ खास रिलीज नहीं थे बॉलीवुड मूवीज के, क्रैक और आर्टिकल 370 ही दो बड़ी फिल्म्स आई। तेरी बातों में उलझा जिया भी रिलीज हुई थी शाहिद कपूर की, बट मुझे वो उतनी कुछ खास नहीं लगी। क्रैक फिल्म अच्छी लगी, मैंने उसका रिव्यू भी शेयर किया है, आप यहाँ देख सकते हैं। आई होप मार्च बॉलीवुड का अच्छा जाएगा और 1 मार्च को ही समझ में आ जाएगा कि ऑडियंस को लापता लेडीज पसंद आती है या नहीं। तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को लेके, इमोशंस भी लग रहे हैं फिल्म में, काफी ह्यूमर दिख रहा है और मजा आएगा थिएटर्स में देखने में। आपको लापता लेडीज का ट्रेलर कैसा लगा जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। जल्द मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज दीप साइनिंग ऑफ, बाय।